मीडिया में एंकर ही हैं जो देश की बात जनता के सामने रखते हैं अपने डिबेट या शो के जरिए। आज हम कुछ एंकर्स की डिबेट या शो देखेंगे कि उन्होंने पिछले 5 दिन में अपनी डिबेट में कौन से मुद्दों को तवज्जो दी। पहले बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़, शिक्षा ठप, चुनावी नारों में युवा को झोंका। दूसरा, लच्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में झूलते सरकारी अस्पताल। तीसरा, कटघरे में लोकतंत्र का प्रहरी चुनाव आयोग। चौथा, धर्म की राजनीति ने बदल दी भारत की सभ्यता। और पांचवा, ममता नहीं मोदी की जीत हार पर जा टिका है बंगाल चुनाव। देश में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। इस मुद्दे पर भले ही गोदी मीडिया में डिबेट्स ना देखने को मिल रही हों, पर वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने अपने वीडियोस के जरिए हॉस्पिटल की हालात को लेकर सवाल उठाए हैं। देखते हैं कि वे क्या जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, 21वीं सदी का भारत, अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो फिर आपका इलाज मुश्किल है। 21वीं सदी का भारत, अगर आप किसी जिले के अस्पताल में पहुंच गए तो भी आपको इलाज नहीं मिलेगा। तो सब डिवीजन या फिर ग्रामीण भारत के भीतर की स्थिति क्या होगी, यह दूर की गोटी है। अगर आप सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह सोचने लगेंगे कि हमको इलाज मिल जाएगा, तो यकीन जानिए इस देश के भीतर में सरकारी अस्पतालों में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तब यहां से सवाल है कि भारत के भीतर में अगर मेडिकल के क्षेत्र की ऐसी अनदेखी की गई जिस अनदेखी में जब भारत के मरीजों को भारत को अपने इलाज की दिशा में बढ़ना है और आत्मनिर्भरता की सोच उसे लेकर आनी है और वहां पर वो दुनिया में सबसे कमजोर देशों में से एक है, तब आप क्या कहेंगे? क्योंकि भारत में मेडिकल सिस्टम प्रॉफिट से जोड़ा गया। अब बात करते हैं न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की और जानेंगे उन्होंने किन मुद्दों को जरूरी समझा। पहला, मास्क नहीं तो जुर्माना, दवाई बेड ना मिलने पर। दूसरा, ना टेस्ट ना बेड ना वेंटिलेटर, कोरोना से ऐसे लड़ेंगे। तीसरा, पहले मतदान फिर बचाएंगे जान। चौथा, आस्था और चुनाव कोरोना पर भारी। और पांचवा, कोरोना की हकीकत छिपाई जा रही है। कोरोना देश में काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर मीडिया में डिबेट भी जरूरी है। संदीप चौधरी लगातार इस पर डिबेट कर रहे हैं और बीजेपी के नेताओं से सवाल भी कर रहे हैं। आइए देखते हैं उनकी एक डिबेट। इन 3 दिनों इन 12 बर्डन हाई बर्डन स्टेट्स को प्रधानमंत्री जी के आदेश से 4,880 मेट्रिक टन, 5,619 मेट्रिक टन और 6,593 मेट्रिक टन ऑक्सीजन दिया गया। इसमें हमने नहीं देखा कि कौन, ये तो तब हुआ ना परदिता, ये तब हुआ जब लोगों की मौत हुई, खबरें वायरल होने लगी। नाला सोपारा में महाराष्ट्र में 10 लोगों ने दम तोड़ दिया क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी थी। मध्य प्रदेश में यही हाल है, उत्तर प्रदेश में यही हाल है। ये तो आंखें बाद में खुली है ना। प्रधानमंत्री ने कितनी रैलियां, मैंने आपको बताई ना, 21 रैलियां तो कर चुके हैं और अगले 8 दिनों में 6 रैली और करेंगे पश्चिम बंगाल में। हमारी प्राथमिकता क्या है, मैं सवाल ये कर रहा हूं जी। हमारी प्राथमिकता है लोगों की जान की सुरक्षा और प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम की नीति और नियत पर आप प्रश्न चिन्ह न लगाएं। अब बात करते हैं गोदी मीडिया के एंकरों की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को तवज्जो दी। पहले बात करते हैं रिपब्लिक टीवी के वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को देश की जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, खाटी के बाहर कश्मीरी पंडितों की वापसी का इंतजार। दूसरा, नियम तोड़ने वालों को कैसे सुधारेंगे। तीसरा, पहले चलवाई लाठी अब मांगी माफी। चौथा, दूसरी लहर बड़ी भारी और सियासत भी जारी। पांचवा, मोदी की लोकप्रियता ने कर दिया ममता का खेला। अर्नब ने वैसे तो काफी मुद्दों पर डिबेट की जैसे कि आपने देखा, खैर वे कोरोना के मुद्दे पर भी डिबेट कर रहे हैं। देखते हैं वे उस मुद्दे पर सवाल किससे कर रहे हैं और क्या जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, कोरोना के खिलाफ देश महायुद्ध लड़ रहा है। अस्पताल कोरोना के मरीजों से भरे हुए, शमशान घाट में शवों का अंबर लग रहा है। देशवासियों, एकाएक ऐसी हालात क्यों हो गई, एकाएक केसेस क्यों बढ़ने लगे, मैं बताता हूं आपको। लोगों की लापरवाही बढ़ गई। जब दिखा कि कोरोना खत्म हो रहा है तब सभी लापरवाह हो गए। सरकारें ने भी गलतियां की।
जो लोग नियम तोड़ने को अपनी शान समझते हैं, जो लोग मास्क लगाने को तैयार नहीं, जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग मानने को तैयार नहीं, फाइन लगनी चाहिए 10-20 हजार रुपए की मिनिमम, और उन लोगों पर सख्त प्रहार करना होगा। अब बात करते हैं न्यूज 18 के वरिष्ठ पत्रकार अमीश देवगन की, और जाने कि उन्होंने किन मुद्दों को जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, कोरोना काल में भी जारी है राजनीतिक सियासत, राजधर्म राजनीति में बचा कहां। दूसरा, कोरोना से डरने में ना करे संकोच, अप्रैल में 2 लाख पहुंचा कोरोना, कब थमेगा सिलसिला। तीसरा, कोरोना क्या वाकई है सियासत का मुद्दा, देश में कोरोना बन रहा है राजनीतिक तमाशा। चौथा, बीजेपी के बंगाल विजय का दावा कितना दमदार। और पांचवा, लोड़बो मोरबो तभी जीत को, बंगाल की सियासत का हिंसा चरित्र। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देख चिंता अमीश देवगन ने भी जाहिर की, उन्होंने भी कोरोना के मुद्दे पर ही डिबेट की। देखते हैं वे क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर। क्या कुछ नेता आपदा में भी सियासी अवसर खोज रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में कोरोना से हाहाकार मची हुई है। रोज 2 लाख से ज्यादा नए केस आ रहे हैं, यह आंकड़ा कब 3 लाख पहुंच जाएगा ये पता नहीं है। एक दिन में 1000 से ज्यादा मौत हो रही है, लेकिन हमारे नेताओं की तूतू मैं बंद होने का नाम नहीं है। हर कोई एक दूसरे को कोसने में लगा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की कोविड रणनीति की पहला स्टेज तुगलक की लॉकडाउन लगाओ, दूसरी स्टेज घंटी बजाओ, और तीसरा स्टेज प्रभु के गुड़गांव। तो उधर बीजेपी कह रही है कि पूरे कोरोना काल में कांग्रेस सबसे गैर जिम्मेदार पार्टी साबित हो चुकी है। कोई महाराष्ट्र पर सवाल उठा रहा है, कोई गुजरात पर, तो कोई झारखंड पर, लेकिन हकीकत यह है कि हर राज्य की जनता बेहाल है। तो सवाल है कि आखिर राष्ट्रहित को देखते हुए क्या पक्ष और विपक्ष को एक साथ आज नहीं खड़े होना जाना चाहिए। क्या इस बार पलटवार से कोरोना की मार झेल रही जनता को राहत मिल जाएगी। यानी आपने अब खुद ही देखा कौन किन मुद्दों को आपके लिए जरूरी समझता है। कोदी मीडिया सवाल तो नहीं पूछता, ना ही अधिक जानकारी देता है, पर हम आप तक सही और अधिक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।